नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपी भारत। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। पूर्वी सिंहभूम पोटका के पालीडी गांव से रसून चोपा तक एनएच 220 पर काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित होकर पोस्टर बैनर के साथ हेजरा से पालीडी तक 3 किलोमीटर एनएच 220 सड़क का हाल काफी खराब होने के विरोध में रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कहा एनएच 220 सड़क बदहाल होने से ग्रामीणों को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सांसद विद्युत वरण महतो को हमने 10 साल लाया, लेकिन उसके बावजूद नेशनल हाईवे सड़क बदहाल है। जगह जगह पर बड़ा बड़ा गड्ढा बन चुका है, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को एवं स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को आवागमन में काफी दिक्कतें हो रही हैं। सड़कों से भारी पोल्यूशन हो रहा है, जिसके कारण लोग न कपड़ा सुखा पा रहे हैं न ही खाना खा पा रहे हैं, क्योंकि हर जगह धूल ही धूल नजर आ रहा है। वहीं इस दौरान ग्रामीण हिमांशु सरदार ने कहा कि इस बार हमारा वोट विकास के नाम पर होगा। जो क्षेत्र का विकास करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। सांसद विद्युत वरण महतो ने हम सबों को सिर्फ ठगने का काम किया है। 10 साल में उन्होंने सड़क बनाने का कई बार आश्वासन दिया, मगर सड़क का हाल बद से बदतर बना हुआ है। हेसरा से पालीडी तक का सड़क पूरी तरह से 3 किलोमीटर बदहाल की स्थिति में है। इस मौके पर हिमांशु सरदार, मालती सरदार, मुन्नी सरदार, हरीश सरदार, सीताराम सुरेन, मणिराम सरदार, हरीश चंद्र हांसदा, सीताराम हेम्ब्रम, सुशील हांसदा आदि उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सिंह की रिपोर्ट। गांव बहुत परिस्थिति में है। हम लोग का रोड इतना दिन से हम लोग का बंद नहीं रहा है। मोदी सरकार 10 दिन से जो सरकार में शासन कर रहा है, लेकिन हम लोग का एक भी बात नहीं सुन रहा है, जिसके कारण हम लोग रैली निकाल रहे हैं। और हम लोग का रोड बहुत खराब है, और स्कूल बच्चा को, पेशेंट को या फिर आना जाना को, सब लोग को बहुत दिक्कत होती है। और सभी को, और घर में धूला इतना घुसता है कि हम लोग खाने के लिए सोचना पड़ता है कि बर्तन में धूला, खाना में धूला, सब्जी में धूला, सब में इतना धूला रहता है। बहुत परेशान है हमारे ये NH220 जो यहाँ हेसड़ा से लेकर के पालीडी तक कम से कम 3 किलोमीटर है। जैसे जर्जर स्थिति में है, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ बड़ा गाड़ी का आना जाना एकदम बहुत ही कम हो गया है। तो आज हम लोग सांसद महोदय को भी बोले थे कि हमारा यह सड़क बना दीजिएगा बोल के, तो उसने कुछ दिन पहले आया था, आश्वासन भी दिया कि यह रोड बन जाएगा, लेकिन आज तक आश्वासन पे आश्वासन ही दिया जा रहा है। सड़क का निर्माण जो कि त्यों है, निर्माण नहीं हो रहा है। तो आज आप लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग यही, उसीलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो हमारा सड़क बनाएगा, हमारे हित में जो काम करेगा, उसी को हम लोग वोट करेंगे। सड़क वैसे उबड़ खबड़ है, इसीलिए बच्चों को भी दिक्कत हो रहा है जाने के। अभी वर्षा, यहाँ पर वर्षा आने से पानी भर जाएगा सड़क में, इसीलिए हम लोग रैली कर रहे हैं। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।